मेरठ में सड़क पर टेम्पो सवार युवती का अपहरण करने के आरोपी मनचले नहीं बल्कि शातिर बदमाश साबित हुए। दरअसल आज कोर्ट में पेश करने ले जाते समय दोनों आरोपियों ने पुलिस की राइफल छीनकर हिरासत से भागने का प्रयास किया, जिसके बाद पुलिस ने बदमाशों से लोहा लेते हुए मुठभेड़ के बाद पैर में गोली मारकर दोनों बदमाशों को धर दबोचा। ये कल 26 दिनांक में एक लड़की के साथ इन्होंने बदतमीजी का प्रयास किया, जिसके इनके लड़की के चेहरे पे मतलब काटने का निशान था और उसके शरीर पे काफी चोटों का निशान था। आज इन्हें जेल भेजने की तैयारी की जा रही थी, तो रास्ते में जैसे ही इन्होंने मौका पाया तो मौके से ये उतर के भागे और एक कांस्टेबल सुभाष मलिक की इन्होंने राइफल छीन ली। छीनने के बाद ये गन्ने के खेत में घुस गए। काफी कॉम्बिंग के बाद दोनों मुठभेड़ के दौरान घायल के दौरान मतलब दोनों गिरफ्तार कर लिए गए। मैं राइफल के इसमें जो है कोई दरोगा जी भी घायल हुआ क्या? अभी सूरजपाल दरोगा जी है, इंजर्ड है, अभी ट्रीटमेंट चल रहा है फिलहाल मौके पे। हम सब लोग आरोपी है एक राहुल, एक गोलू है, एक बोबी, मतलब राहुल उर्फ गोलू और एक बोबी है। मुकदमा लिखा हुआ है 354-392 का, लूट का मुकदमा दर्ज है। पर्स भी छीन लेता लड़की से कल और अभी उचित कर सिपाही से सुभाष मलिक कांस्टेबल है।